हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर, पर खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था, बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ। खालिस्तान खालिस्तान हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि देश को बांटने का काम दोबारा से कुछ शक्तियां कर रही हैं? बिल्कुल, ये कोशिश ये पूरी जारी है। मैं आपको गारंटी से देखो कहता हूँ, जितना मेरा शरीर का बचा हुआ हिस्सा है, खालिस्तान न कभी बना था न कभी बनने देंगे, न बनने दिया था, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे शरीर से, हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, पर मेरे अकेले कहने से नहीं, हमारी तरह और सिख समाज के लोग निकले गुरुद्वारा साहब के अंदर, गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे देश के अंदर, जब भी खालिस्तान का कुनारा लगे उसका विरोध करें कि हम इनके खिलाफ हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि सिख समाज के काफी लोग आजकल भिंडरांवाले की तस्वीर लगा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो पहले गाड़ियों पर गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, दसियों गुरु की और चार साहिबजादों की तस्वीरें लगा करती थी, अब उनकी तस्वीरें हटकर ऐसा क्या है कि सिर्फ भिंडरांवाले को संत मानने लग गया कुछ लोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सवाल पूछ लिया आपने, बड़ा बहुत एक अपने निचोड़ निकाल के सवाल पूछा, वही तो मैं भूल चुका हूँ। क्या आने वाले वक्त के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज, साहबजादों को नियों में चनवा दिया गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज, भाई बतीदास जी महाराज, बंदा बहादुर जी, बाबा दीप सिंह जी, महान कुर्बानियां, महान इतिहासों को भुला करके क्या ये इतिहास आने वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे कि जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम पंजाब में किया था, जो पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ करके भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे, जिन्होंने 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया बेकसूर, किसी के हाथ में कृपाण नहीं, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में गोली बारूद नहीं, उनको आप ट्रेनों से निकाल के, बसों से निकाल के, सिख भाइयों को छोड़ करके गोलियों का निशाना बना दिया। इन लोगों को आप हीरो मानना चाहते हैं? मारो, कहा मारना, मैं तैयार हूं, मेरी जिंदगी बोनस, आओ, बोलूंगा आखिरी सांस तक बोलूंगा, हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे किसी सूरत तक। क्या क्या सर, आप भी सिख समाज से हैं, आप तो भिंडरांवाला को एक आतंकी बता रहे हैं और दूसरे जो सिख हैं वो संत बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे नेताओं का है, सिख कौम के उन नेताओं का है जो इतिहास बताना नहीं चाहते, जो हमारे गुरु साहिबानों के बच्चों के इतिहासों को कमजोर कर रहे हैं। अब जब आएगा बच्चों का साहिबजादों का दिन, हम मना लेंगे, पर रोज रोज नहीं हम मनाएंगे, रोज रोज गुरु महाराज को याद नहीं करेंगे, किसको याद करेंगे? जो 36,000 बेगुनाहों के खालिस्तानियों ने कत्लेआम किया, मारते मजलूम, मारते, किसी के हाथ में बंदूक थी क्या? आओ सामने आओ, अब मेरे पे भी बम चलाए, पीठ के पीछे वार किया ना, आओ सामने आओ, कह दो आ रहे हैं, मैं आता हूँ। हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर, जहां पर चार आतंकवादियों को करनाल पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। जानकारी मिली कि पंजाब से तेलंगाना की तरफ जा रहे थे और इस समय एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनिंदर सिंह बिट्टा, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। लगातार युवाओं को आतंकवाद की तरफ बढ़ाया जा रहा है और जो खासतौर पर जो चार आतंकवादी पकड़े गए हैं, चारों के चारों युवा हैं, बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव उनसे बरामद हुआ है, किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे आरोपियों पर और ऐसे आतंकवादियों पर? पहले तो सरकार को ऐसा कानून बनाए कि जो खतरनाक आतंकवादी अभी पकड़े हैं, हरियाणा पुलिस ने, एजेंसीज ने, प्रेस ने, मीडिया ने कोशिश की, उसके बाद सरकारी वकील, उसके बाद जजेस मौत का कफन बांध करके इनके खिलाफ फैसला सुनाएंगे। कि जब सिख कौम के आगू ये नहीं समझाएंगे नई पीढ़ी को, नए युवाओं को, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थी, सिख कौम मजलूमों की सजाई की, जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा, हम समझाएंगे नहीं, फिर मैं नाम लूं, लोगों को तकलीफ होगी, यहाँ पे कई लोगों को, बाहर लोगों को, अब भिंडरांवाले की फोटो लगाओगे भाई करनाल के अंदर और खट्टर साहब को कहोगे आओ, नहीं आए तो खिलाफ चलेंगे, सल्यूट करता हूँ उस चीफ मिनिस्टर को। नहीं गया सर, आजकल बहुत सारे युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, ये खालिस्तान का, भिंडरांवाला का फोटो लगा के घूमते हैं, किस तरीके से? बिल्कुल, आपने बड़ा सही सवाल किया, गाने चला रहे हैं। देखो मेरी, मैं तो एक चीज आपको बताऊं, ये आप फिर भी आपके अंदर एक जमीर है, यहाँ हरियाणा की प्रेस के अंदर एक जमीर है, मैं उधर नहीं कहूंगा उधर जमीर नहीं है,
इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी को भी ये कौन थे। देखो मैं रहा हूँ अमृतसर, अभी भी मेरा घर वही है, सामने हवेली, सामने हरिमंदर साहब। जब पहला बम चला था ना 83 या 82 में, तो चैलेंज आया था अंदर से, भिंडरांवाला था अंदर, हमेशा तिरंगा झंडा लहराते, उम्र छोटी थी, बेटा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। एक पुलिस ऑफिसर आता, नाम होता तिलक राज, अभी याद है, SHO, कहना साहब रास्ता बदलो। मैं क्यों, क्योंकि उनका थ्रेट आया कि बम चलाएंगे अगर आप तिरंगा झंडा यहाँ लहराओगे। मैं कहा मैं खालिस्तान का झंडा लहरा, मैं देश के तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, बम चले या कोरियाँ चले तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। लहराया, सुबह 5 बजे बम फेंका, 12 बजे झंडा लहराया। मैं उस वक्त का जानता हूँ। मुझे एक चीज बता दो यार, 36,000 बेगुनाहों का यार कत्लेआम कर दिया, सोच के एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो 36,000 कितने होते हैं। 19,000 यार हमारे हिंदू भाई शहीद कर दिए, हमारी जमीर कहां मर गई यार, हम कहां चले गए यार। आजादी से पहले, आजादी के बाद आज तक हम लड़ते लड़ते, अभी हम बम्बो गोलियों से नहीं थकते, हम मौत से नहीं थकते, मौत हमारी दोस्त है। हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं जब देश का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाता है, जब इन आतंकवादियों के 36,000 बेगुनाहों के कातलों पे ऐसे बम चलाने वालों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल में, जो कल 4 आतंकी पकड़े गए थे, उसके बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनिंदर सिंह बिट्टा, वो इस समय करनाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, करनाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कड़ा सुरक्षा पहरे में करनाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनिंदर सिंह बिट्टा। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल में कल 4 आतंकी पकड़े जाते हैं, करनाल में कल 4 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जहां भी आतंकी पकड़े जाते हैं, आतंकियों से जुड़ा कोई भी मामला होता है, तो तुरंत मनिंदर सिंह जो बिट्टा है वो करनाल पहुंचते हैं, उसी राज्य में पहुंचते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं इस समय करनाल पहुंचे हैं, क्योंकि करनाल में कल 4 आतंकी पकड़े जाते हैं, उसके बाद ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, करनाल पहुंचे हैं महेंद्र सिंह बिट्टा, जो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किस तरह से कड़े सुरक्षा पहरे में करनाल में आज पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर, जहां पर 4 आतंकवादियों को करनाल पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। जानकारी मिली कि पंजाब से तेलंगाना की तरफ जा रहे थे, और इस समय एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनिंदर सिंह बिट्टा, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, लगातार युवाओं को आतंकवाद की तरफ बढ़ाया जा रहा है, और जो खासतौर पर जो 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं, चारों के चारों युवा हैं, बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव उनसे बरामद हुआ है, किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे आरोपियों पर और ऐसे आतंकवादियों पर? पहले तो सरकार को ऐसा कानून बनाए कि जो खतरनाक आतंकवादी अभी पकड़े हैं, हरियाणा पुलिस ने, एजेंसीज ने, प्रेस ने, मीडिया ने कोशिश की, उसके बाद सरकारी वकील, उसके बाद जजेस मौत का कफन बांध करके इनके खिलाफ फैसला सुनाएंगे, और उसके बाद इनका केस पंजाब की कई पॉलिटिकल पार्टियां, पंजाब के कई धर्म के ठेकेदार, जर्मनी कनाडा से फंडिंग ला करके, तो कपिल छिब्बल जैसे ऐसे वकील खड़े करके एक टाइम के फीस 20 लाख रुपया एक घंटे की क्या खड़े होंगे? पहले तो ये यकीन हिंदुस्तान की जनता को दिलाना है कि इनके खिलाफ इनको फंडिंग देने वाले कहां से फंडिंग आई, क्या अमेरिका से आई, क्या कनाडा से आई, क्या थ्रू पाकिस्तान आई, वकील को 20 लाख की फीस कैसे दी गई, कौम के हीरो फिर बनाया जाएगा? आज तो आप, मैं फिर कहता हूँ, आप तो न्यूज़ आपकी गर्म है, पर उसके बाद न्यूज़ आपकी गर्म नहीं होगी, मैं बोलूँगा मेरी आवाज़ दब जाएगी, पर इनकी आवाज़ उठाई जाएगी। जैसे कल गवर्नर के पास पंजाब का एक पॉलिटिकल पार्टी के एक बंदी सिखों को छोड़ दो, बंदी सिखों का मतलब पता क्या होता है? बंदी सिख या बंदी कैदी वो होते हैं जिन्होंने कौम के लिए, देश के लिए को लड़ाई लड़ी हो। जिस तरीके से हरगोबिंद सिंह जी महाराज ग्वालियर से 32 राजाओं को निकाला था, उनको कहते बंदी। ये तो कौम के गदार है, ये तो बेगुनाहों के कातल है, ये तो मतलब मुजलूमों का कत्ल करने वाले। आज आप देख लो, आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर मेरे साथ मेरा भाई को पगड़ी वाला, वो कहता यार ये क्या बोल रहा है, ये सामने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सामने RDX पकड़ा जाता है, सामने चीफ मिनिस्टर पंजाब का कतलेआम होता है, सामने मेरे ऊपर दिल्ली में ब्लास्ट होता है कि मैं किसी को गोली मारी थी, 88 लोग शहीद हो जाते हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, उसको कह रहे छोड़ दो, रोज रोज डेली एक कोई खड़ा होने वाला हमारे साथ नहीं होता, नहीं जी हम आपके साथ खड़े।
पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, विदेशों से लोग खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क, इसको उजागर होना चाहिए। ये नेटवर्क है क्या जी? खालिस्तान खालिस्तान हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि देश को बांटने का काम दोबारा से कुछ शक्तियां कर रही हैं? बिल्कुल, ये कोशिश ये पूरी जारी है। मैं आपको गारंटी से देखो कहता हूँ, जितना मेरा शरीर का बचा हुआ हिस्सा है, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे, न बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे शरीर से, हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, पर मेरे अकेले कहने से नहीं। हमारी तरह और सिख समाज के लोग निकले गुरुद्वारा साहब के अंदर, गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे देश के अंदर, जब भी खालिस्तान का कुनारा लगे उसका विरोध करें कि हम इनके खिलाफ हैं। हम बोलेंगे ही नहीं, वो उभरते रहेंगे, वो नारे मारते रहेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे। ये लोग गलत हैं, ये हमारे लिए, देश के लिए खतरा है। 84 के दंगे क्यों हुए? 84 के दंगे इन लोगों की गलतियों से हुए। अब नरेंद्र मोदी जी, जब सुरक्षा पे चूक लगी, जब कुछ किसान भाइयों ने उनको उनके धरना लगा के रोक दिया, फर्ज करो इधर पाकिस्तान चारों तरफ से पाकिस्तान की सरहदों पे नरेंद्र मोदी को घेर दिया और एक पुल पे खड़े हो गए, नीचे को बम लगा देता, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। फर्ज करो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का नुकसान हो जाता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या होता? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या होता उस वक्त? हम इन चीज़ों को नहीं सोचते। हमने उस वक्त इंदिरा गांधी को मार दिया, हमने ये नहीं सोचा इसका नतीजा क्या निकलेगा। सवाल है हिंदू सिख में फ़र्क नहीं, पर इसकी जानकारी कौम के नेताओं को, कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं, धर्म के जिम्मेदार लोग हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, उनको लोगों को बुलाना चाहिए, उसमें प्रवचन करने चाहिए कि सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, ना कि मजलूमों को मारने के लिए, ना कि 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने के, ना कि सिद्धू बॉर्डर पे एक लटका दो किसी को, काट काट के तलवानियों की तरह मार दो। ये सिख कौम की निशानी नहीं है। कौन बोलता है बताओ? बताओ किस, कौन आदमी बोला को बोलता? हम बोलते हैं तो यह कौम का गदार है। कहो गदार, एक बार नहीं लाख हजारों लाख बार कहो, हिंदुस्तानी हूं, फकर है हिंदुस्तान पे। मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि सिख समाज के काफी लोग आजकल भिंडरांवाले की तस्वीर लगा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो पहले गाड़ियों पर गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, दसियों गुरुओं की और चार साहिबजादों की तस्वीरें लगा करती थी, अब उनकी तस्वीरें हटकर ऐसा क्या है कि सिर्फ भिंडरांवाले को संत मानने लग गया कुछ लोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सवाल पूछ लिया आपने, क्या सवाल पूछ लिया आपने, बड़ा बहुत एक अपने निचोड़ निकाल के सवाल पूछा। वही तो मैं बोल चुका हूँ, क्या आने वाले वक्त के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज, साहबजादों को नियों में चनवा दिया गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज, भाई पतिदास जी महाराज, बंदा बहादुर जी, बाबा दीप सिंह जी, महान कुर्बानियाँ, महान इतिहासों को भुला करके क्या ये इतिहास आने वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे कि जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम पंजाब में किया था, जो पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ करके भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे, जिन्होंने 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया बेकसूर, किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में गोली बारूद नहीं, उनको आप ट्रेनों से निकाल के, बसों से निकाल के, सिख भाइयों को छोड़ करके गोलियों का निशाना बना दिया। इन लोगों को आप हीरो मानना चाहते हैं? मारो, कहा मारना, मैं तैयार हूं, मेरी जिंदगी बोने था, आओ बोलूंगा, आखिरी सांस तक बोलूंगा, हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे किसी सूरत तक। पर मैं फिर कहूं बार बार, आपका बोलना, आपका पूछना वाजिब नहीं होगा जितनी देर तक कौम से लोग निकल करके कहेंगे हमारे दसवें आखिरी गुरु, गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज वही थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए, जिनके पिताजी ने, हिंद की चादर ने कुर्बानियां दी। इतिहास ही नहीं को बताने को तैयार? कौन बताएगा इतिहास को? हम लोग अनाड़ी हैं, अभी पापी गुनाहगार अनाड़ी हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और फिर कहूं खट्टर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, पीछे की बात सुनी, स्टैंड लिया, मैं नहीं जाऊंगा, वोट देनी दो नहीं देनी ना दो, यहां पे जो सिख कौम के आगुआ क्यों ना बोले, हम असी सरदार होने, कौन कहना भी असी सरदार रही हैं? सरदार, सरदार का मतलब जब सरदार निकलता था ना, कहना सरदार आ गया, हमारा रक्षक आ गया, देश का रक्षक आ गया, कोरोना काल हो, भूकंप हो, कहीं हो, सरदार तैयार खड़ा है, सरदार जी तैयार खड़े, पर कतलेआम ये तो सरदार जी का काम नहीं है। क्या सर, आप भी सिख समाज से हैं, आप तो भिंडरांवाला को एक आतंकी बता रहे हैं और दूसरे जो सिख हैं वो संत बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे नेताओं का है, सिख कौम के उन नेताओं का है जो इतिहास बताना नहीं चाहते।
जो हमारे गुरु साहबानों के बच्चों के इतिहासों को कमज़ोर कर रहे हैं। अब जब आएगा बच्चों का साहबजादों का दिन हम मना लेंगे, पर रोज़ रोज़ नहीं हम मनाएंगे, रोज़ रोज़ गुरु महाराज को याद नहीं करेंगे, किसको याद करेंगे, जो 36,000 बेगुनाहों के खालिस्तानियों ने कत्लेआम किया। और असी मारते, ओए मारते मजलूम मारते, किसी के हाथ में बंदूक थी क्या? आओ सामने आओ, और मेरे पे भी बम चलाए, पीठ के पीछे वार किया ना, आओ सामने आओ, कह दो आ रहे हैं, मैं आता हूँ, सरकारी सुरक्षा छोड़ता हूँ, आओ चलाते, या मैं जाऊँ, जो आप जाओ। इसको कहते बब्बर, ये कौन सा बब्बर भाई? गाड़ियाँ जा रही हैं, किसी कार में बम लगा दो, रिमोट चला लो, अरे असी तो उन्हें मार देता भाई, ये शेरों वाला काम है। ये जो चार आतंकवादी आपके यहाँ पकड़े गए, तेलंगाना में जा रहे हैं, पहले नदेड़ था, महाराष्ट्र में उन्होंने बम भेज दिए, गोला बारूद भेज दिया मजलूमों को मारने के लिए, बताओ सिख कौम का कोई हीरो, कोई लीडर, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई आतंकवादियों की मदद करने वाले पंजाब के अंदर बताओ? गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर, उनके गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे, मजलूमों के लिए अपना जीवन दिया क्या? मजलूमों को मारने के लिए कौन थे भाई कन्हैया जी? गुरु गोविंद सिंह जी की फौजों के पानी पिलाने वाले, जख्मों पे पट्टी करने वाले, वो दुश्मनों को भी पट्टी करते थे, दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी को कहा जाता है अरे दुश्मनों को पानी पिलाते, वो फिर तैयार हो जाता है। सवाल पूछते हैं कन्हैया जी को, कन्हैया जी कहते मुरे हर मुसलमान हिंदू सिख हर एक के अंदर मुझे तो गुरु गोविंद सिंह नज़र आता है। और ये हमें गदार कहते, ये गदार मजलूमों को मारने वाले, गुरु गोविंद सिंह की मर्यादा के उल्ट चलने वाले। आ जाओ शाम तक मेरे से बहस कर लो, बुलाओ सारे चैनल, इनकी मैं थकियाँ उड़ा दूँ। मैं तो माँ मेरी कहती थी मुठियाँ बंद रखना, मुठियाँ बंद है, जिस दिन मुठियाँ खुल गई ना पगड़ी पे मेरे भी दाग लगेगा। ये 5 बजे जब आतंकवाद था, खेतों में जाके घरों में जाके क्या करतूतें करते थे, और अमृतसर हरिमंदर साहब की पवित्र पावन मिट्टी तपों जपों से मिट्टी बार कार सेवा की, उसमें पिंजर निकालते थे। सवाल का जवाब दो, अरे इनके पास सवालों के जवाब हैं? ये मानवता है हमारे सिख कौम की? ये मानवता नहीं, बोलने को कोई तैयार नहीं है, बस हमें वोट चाहिए, हम सिख कौम के हीरो बनना है। अरे 2 करोड़ हमारी आबादी, दुनिया हमें नमस्तक करती है, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बूटा सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी का चीफ जनरल अरोड़ा, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जे सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ विक्रम सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ अर्जन सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जे सिंह अपना धनुआ, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? आपके कुलदीप सिंह। वो क्या नहीं हिंदुस्तान ने हमको दिया? हिंदुस्तान ने हमको इतना कुछ दिया, हम फिर भी कहते हैं अहिता पंजाबियाँ। वो कहो ना पंजाबी कौन, फखर है पंजाब कहते। भारतीय वो क्यों नहीं कहते मेरी तरह, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, उसी में सब कुछ आ जाता है। तकलीफ है, ज्ञान नहीं दे रहे, कोई ज्ञान वही दे रहे जो आप बता रहे हैं, कि गुरुओं के ज्ञान को, गुरुओं के तपों को भूलते जा रहे हैं और अपना ज्ञान शुरू कर दिया। मुझे एक चीज बताओ जी, हरिमंदर साहब में जब अटैक हुआ, फौजें बाहर आई, उन्होंने कहा खालिस्तानियों के बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चलाएंगे। तो रोज कत्लेआम होते थे, आखिर कुछ ना कुछ तो वो करते। अगर इतने बहादुर होते ना जे, जिनकी फोटो लगाते फिरते जे, अब बार बार नाम के फोटो लगाते, इतने बहादुर होते ना तो बाहर आके पता क्या कहते? तपों जपों से सजा हुआ हरिमंदर साहब, गुरु रामदास जी महाराज का, जिनकी बाबा बुढ़ा जी गुरदास जी महाराज ने नींव रखी थी, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है, उसको हम किला नहीं बनने देंगे, हम बाहर आ रहे हैं, चलाओ मेरे शरीर पे गोलियां, नस भी ना बचे का बाहर आया। सवाल पूछना चाहता, आया? हमने हरिमंदर साहब को कवच बना लिया, ढाल बना लिया, हम बच जाएं। गुरु रामदास जी महाराज, तेरा हरिमंदर साहब पवित्र तपों से सजा हुआ, वो चाहे छाननी छाननी हो जाए, और हो गया अकाल तख्त डेरी हो गया। मैं अगर होता, कसम खा के कहता हूँ भगवान की मौत हमारी दोस्त है, एक दिन जन्म, मैं अगर होता ना, ऐसे हालात होते ना, मैं बाहर आता फौजों के सामने, लाओ कितनी गोलियां मारते हो मेरे शरीर में, मारो मेरे शरीर की नस भी ना बचे, पर मेरे गुरु रामदास जी का सजा हुआ तपो जपो से हरिमंदर साहब, उसमें एक कंकर भी ना आए, इसने कंकर
इन्होंने छाननी छाननी करा करके गुरु महाराज का अपमान करा दिया और खुद भी मर गए और गुरुद्वारा साहब भी अपमान कर दिया और सारी जिंदगी का हमारे पे कलंक लग गया। ब्लू स्टार ऑपरेशन वाए। मैं फिर कहूँ हरगोबिंद साहब का किला जो सुन रहे हैं मेरे सिख भाई सुने हाथ जोड़ के, वो गुरु हरगोबिंद साहब ने इसलिए सजाया था कि जंग हरमंदर साहब से अंदर कभी नहीं होगी, जंग होगी तो वहीं होगी। तो असूल किसने तोड़े, गुरु महाराज का अपमान किसने किया, हरमंदर साहब में पुलिस फौज क्यों आई, क्यों हथियार लेके गए, क्यों 84 के दंगे इनकी गलतियों से हुए, क्यों इंदिरा गांधी मारी, क्यों देश के सिख लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्यों पंजाब के अंदर हिंदू भाइयों का कतलेआम हुआ गोलियों से, कौन सवाल का जवाब देगा, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। ना वो पत्रकारी रही, ना वो विद्वान लोग रहे, बस चापलूस हो गए, बस हम हीरो हैं, बस गुरु महाराज का इतिहास था कोई बताने को तैयार नहीं। बस जिस दिन उनका जन्मदिन आता है, उनका गुरुपूरब साहब आता है, हम उस दिन अपनी फोटोएं खिंचा लेते हैं। और जो सच्चे सुच्चे श्रद्धालु नंगे पांव जो फोटो नहीं खिंचाते वो भगवान के चरणों में रहते हैं, ये फर्क है। तो ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल में एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनिंदर सिंह बिट्टा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में सीधे तौर पर कहा कि जो खालिस्तान को लेकर जो ओछी राजनीति कुछ नेता कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और जो साजिशकर्ता जो लोग समाज में हिंदू सिख का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ कहीं ना कहीं ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हर किसी को अपने दिमाग से चलने की जरूरत है। कोई भी किसी को कहीं भी भड़काए तो उस तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।